नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 अक्टूबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का किया ऐलान। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। बिहार में 13 नवंबर को होगा मतदान। आज मनाया जा रहा है शरद पूर्णिमा। विशेष पूजा से पाए सुख समृद्धि। माँ लक्ष्मी की कृपा बदलेगी आपकी किस्मत। भूमि सर्वेक्षण के लिए नए दिशा निर्देश जारी। बिहार सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। 6 प्रमुख चरण पर होगा भूमि सर्वेक्षण का काम। बिहार कैबिनेट में 22 अहम प्रस्ताव पर मुहर। बिहार पुलिस के आईओ को मिलेगा स्मार्टफोन और लैपटॉप। कुंडघाट जलाशय और कर्मनसा नदी पर पंप नहर के लिए बड़ा फैसला। बिहार में 8000 नए कौशल विकास केंद्र खुलेंगे। युवाओं को मिलेगी इंटर्नशिप प्रशिक्षण का अवसर। दिसंबर तक सभी प्रखंडों में कौशल केंद्र होंगे स्थापित। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज टॉस सुबह 9 बजे से होगा। मैच 9:30 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा पर उपलब्ध। अब खबरें विस्तार से। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भर्ती निकाली है। ये भर्ती ग्रामीण डाक सेवक एग्जीक्यूटिव के 344 पदों के लिए है। इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 31 अक्टूबर। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास किया हो, साथ ही GDS के रूप में काम करने का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होगा। आवेदन शुल्क के रूप में आपको ₹750 देने होंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने बिहार की 4 विधानसभा सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। 4 सीटों पर एक साथ 13 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। वही झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे। 13 नवंबर को पहली फेज, दूसरी फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। इधर महाराष्ट्र में पूरे राज्य में 1 चरण में ही वोटिंग होगा। राज्य में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वही 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत नागरिकों को भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए 6 प्रमुख चरण निर्धारित किए गए हैं। किस्तार पूर्व काम, इसके तहत रैयत फॉर्म 2 के माध्यम से अपनी भूमि का ब्यौरा देते हैं। अमीन भूमि के खतियान का सारांश तैयार करते हैं। वही खानापोरी, जिसमें मानचित्र के खेसरों के अनुसार उनके स्वामित्व का निर्धारण एवं सत्यापन होगा। सुनवाई, जिसमें किस्तवार और खानापूरी के दौरान तैयार मानचित्र और अधिकार अभिलेख के प्रारूप से संबंधित रैयतों की आपत्ति या दावों की सुनवाई और निष्पादन होगा। इसके अलावा अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन अंतिम अधिकार अभिलेख के बाद की सुनवाई है। ये दिशा निर्देश नागरिकों को भूमि संबंधित मामलों में अधिक स्पष्टता और सहयोग प्रदान करेंगे। बिहार कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है, जिसमें कैबिनेट ने बिहार पुलिस के अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने के लिए 190.63 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके अलावा पैक्स चुनाव के लिए 18 करोड़ और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। कैमूर और रोहतास के 21,644 घरों को बिजली आपूर्ति के लिए 117.80 करोड़ की स्वीकृति दी। कुंडघाट जलाशय योजना के लिए 270.31 करोड़ और कर्मनसा नदी पर पंप नहर के लिए 89.95 करोड़ की राशि मंजूर हुई। बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिली, जिसमें अवैध खनन पर जुर्माना बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। ई नीलामी के बाद खनन पट्टी का संचालन 15 दिनों में शुरू होगा और सभी वाहन के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य होगा।
बिहार में सरकार ने 40 से अधिक विभागों में 4 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को भरने के लिए नोडल अफसर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले यह कदम नई नौकरियों की संभावनाओं की तलाश में उठाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी महकमों को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया है, जिनकी जिम्मेदारी होगी कि वे रिक्तियों को खंगाले। फरवरी 2024 में विभागों से संभावित रिक्तियों की जानकारी मांगी गई थी और 1 अप्रैल 2024 तक की स्थिति का ब्यौरा प्राप्त हुआ। अब ये जिम्मेदारी नोडल अफसरों को सौंपी गई है। बिहार में सभी सरकारी लोक सेवकों को हर वित्तीय वर्ष के अंत तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। निगरानी विभाग ने ऐसे अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है जो इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि सभी कर्मी अपनी संपत्ति का ब्यौरा निर्धारित मानकों के अनुसार समय पर जमा करें। 2021 में पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कर्मियों को अपनी संपत्ति की जानकारी पहली नियुक्ति से लेकर हर साल 31 दिसंबर के बाद फरवरी के अंत तक देनी होगी। ब्यौरा नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। आज शरद पूर्णिमा मनाया जा रहा है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 से शुरू होगी। वही इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए सुख सौभाग्य आयु आरोग्य और धन संपदा की प्राप्ति के लिए इस पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इस रात को मां लक्ष्मी स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर प्रकट होती हैं। इस रात जो मां लक्ष्मी को जो भी व्यक्ति पूजा करता हुआ दिखाई देता है माँ उस पर कृपा बरसाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमें अवैध खनन और बालू परिवहन से संबंधित नियमों में कड़े दंड का प्रावधान शामिल है। बालू घाटों पर साइन बोर्ड सीमांकन और प्रकाश व्यवस्था का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा जो 50,000 से लेकर 10,00,000 तक हो सकता है। बालू का परिवहन विशिष्ट रंग के और ढके हुए वाहनों से ही किया जाएगा। गीले या बिना ढके बालू का परिवहन करने पर भी जुर्माना होगा। इसके अलावा ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा और निजी जमीन पर मिट्टी खनन के लिए रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। जल संसाधन विभाग ने नदियों में गाद समस्या के समाधान के लिए भी नियम बनाए हैं। ये उपाय अवैध खनन और परिवहन पर नियंत्रण के लिए लिए गए हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे साइक्लोपियन दीवार के बारे में। ये दीवार राजगीर में है जो 40 किलोमीटर लंबी है। बिहार के प्राचीन शहरों में से एक राजगीर में इसका निर्माण हुआ था ताकि आक्रमणकारियों और दुश्मनों से बचाया जा सके। इस पत्थर की दीवार का निर्माण प्रारंभिक मगध शासकों द्वारा कच्चे पत्थरों से करवाया गया था। समय के साथ इस दीवार का अधिकांश भाग गायब हो गया, लेकिन आप आज भी इसकी संरचना को देख सकते हैं। अगर आप राजगीर जाते हैं तो इस ऐतिहासिक दीवार को देखने जा सकते हैं। सीतामढ़ी जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है। बिहार कौशल विकास मिशन के संकल्प योजना के तहत एक महत्वपूर्ण नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन 18 और 19 अक्टूबर को RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। ये मेला सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसमें राज्य के सभी जिलों के तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों में योग्य भाग ले सकते हैं। जिला नियोजन अधिकारी प्रणव प्रतीक ने जानकारी दी कि मेले में भाग लेने के लिए आवेदकों को NCS पोर्टल पर निबंधन कराना अनिवार्य है। आवेदकों को सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति लेकर आना होगा। इस मेले में 8वीं कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन पास और ITI डिप्लोमा धारक बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे विशेष ट्रेनें चलाने जा रहा है। पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस और तेजस सुपर फास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। वंदे भारत स्पेशल 30 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर तक चलेगी, जबकि तेजस 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक संचालित होगी। किराया पिछले साल से 700 रुपये अधिक है। इसके अलावा नई दिल्ली से बरौनी और जयनगर के लिए भी विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। बरौनी के लिए फेस्टिवल स्पेशल और जयनगर के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों का संचालन 26 अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर के पहले हफ्ते तक चलेगा। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया।
बिहार सरकार ने कौशल विकास को एक नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में कुल 8,000 कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे, जिससे युवाओं को न केवल प्रशिक्षण मिलेगा बल्कि उन्हें इंटर्नशिप का भी अवसर प्राप्त होगा। श्रम संसाधन विभाग ने इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल में पेश करने की तैयारी कर ली है। मौजूदा 2,654 प्रखंडों में से जहाँ कौशल विकास केंद्र नहीं है, वहाँ दिसंबर तक केंद्र खोले जाएंगे। इससे 20 लाख युवाओं को बाजार आधारित मांग के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। बिहार सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू और एचडीयू की सुविधा को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक शुरू करने का लक्ष्य रखा है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने जरूरत को देखते हुए आईसीयू की बेड संख्या बढ़ाने और नए आईसीयू स्थापित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को देखते हुए पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में मौजूदा डॉक्टरों को आईसीयू की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य समिति जिलों में बिना इस्तेमाल के पड़े उपकरणों की सूची भी बना रही है, ताकि उन्हें नए अस्पताल भवनों में लगाया जा सके। अगर आपकी ट्रेन छूट जाए तो क्या करना चाहिए? बता दें कि भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार जनरल कोच का टिकट रखने वाले यात्री बिना परेशानी के दूसरी जनरल कैटेगरी की ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि वे दूसरी कैटेगरी की ट्रेनों में यात्रा नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। और यदि किसी यात्री के पास रिजर्वेशन टिकट है और उसकी ट्रेन छूट जाती है, तो वे उस टिकट से दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता। पकड़े जाने पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नई नीति जारी की है, जिससे बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने आलोचना की है। इस संघ का कहना है कि इस नीति से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी और उन्होंने सामूहिक तबादलों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील की है, क्योंकि नई नीति में विभिन्न जिलों के शिक्षकों के लिए असमान प्रावधान है। उन्होंने माता पिता की बीमारी को ट्रांसफर का आधार बनाने का भी अनुरोध किया है। संघ का मानना है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को संगठनों के साथ बढ़ाना चाहिए। उनका कहना है कि इससे गलतफहमियों का समाधान होगा और शिक्षक बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने जानकारी दी है कि अगले 3 दिनों तक बिहार के मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। सुबह के निचले इलाकों से पश्चिमी हवा अब ऊपर की ओर बढ़ रही है, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 17 अक्टूबर को कई इलाकों में बारिश, बादल गरजने और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। मानपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 19 फर्जी एटीएम कार्ड, 15 सिम कार्ड, मोबाइल और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए। डीएसपी नूरुल हक के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक बाइक पर फर्जी सिम और एटीएम कार्ड लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए धनकी मोड़ के पास 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में फर्जी एटीएम कार्ड और सिम कार्ड मिले हैं। इन तीनों की निशानदेही पर 2 और युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार ठगों में नवादा के पृथ्वीराज कुमार, मोनू कुमार उर्फ आसिक राज, पंकज कुमार और नालंदा के मंटू कुमार और प्रदीप कुमार शामिल हैं। ये लोग विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फर्जी विज्ञापनों और लॉटरी का झांसा देकर लोगों को ठगा करते थे। अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन या टैबलेट का उपयोग कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में गंभीर सुरक्षा खामियों की पहचान की है, जो साइबर अटैकर्स को कोड डालने की अनुमति दे सकती है। ये खतरा एंड्रॉयड वर्जन 12, 12L, 13, 14 और 15 पर चलने वाले उपकरणों को है। इन खामियों के कारण डेटा चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी का जोखिम बढ़ सकता है। CERTIN ने उपयोगकर्ताओं को सलाह दी है कि वे अपने डिवाइस को जल्द अपडेट करें और सुरक्षा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। डिवाइस को हमेशा अपडेट रखें और अपडेट से पहले इसे 50% चार्ज करें, ताकि प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं आए।
बिहार विधान परिषद ने डाटा एंट्री ऑपरेटर और असिस्टेंट ब्लॉक ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड को ऑफिशियल वेबसाइट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। असिस्टेंट ब्लॉक ऑफिसर और डाटा एंट्री ऑपरेटर पद भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन जो है 20 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ये परीक्षा कुल 100 प्रश्नों पर आधारित होगी और इसे हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय मिलेगा। अदा शर्मा उसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई है जहां सुशांत सिंह राजपूत जून 2020 में मृत पाए गए थे। उनके इस कदम को लेकर कुछ लोगों ने उन पर विवादित आरोप लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि वे सुशांत का नाम प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अब अदा शर्मा ने एक इंटरव्यू में इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर रिएक्शन पर जवाब देना संभव नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि एक अभिनेता या व्यक्ति के रूप में वे सभी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। अदा ने कहा कि मैं वास्तव में घर में पूरी तरह से बस गई हूं और मुझे ये जगह काफी पसंद है। पटना में गांधी मैदान में विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का स्वागत किया गया। ये ट्रॉफी गौरव यात्रा 14 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 4 राज्यों हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा और झारखंड के साथ साथ बिहार के 38 जिलों से होकर गुजरेगी। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस अवसर पर कहा कि ये आयोजन बिहार के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि इस बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन राजगीर खेल परिसर में 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक होगा। इसमें चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया और भारत की टीमें शामिल होंगी। इस आयोजन का उद्देश्य खेल के प्रति छात्राओं में उत्साह बढ़ाना है। झारखंड विधानसभा चुनाव में जदयू एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने स्पष्ट किया कि जदयू सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि बीजेपी के साथ कोई मतभेद नहीं है और बातचीत चल रही है। मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जदयू की तैयारी 11 सीटों पर है और वे जल्द ही अंतिम फैसला लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी कितनी सीट देगी इसके बारे में भी जल्द जानकारी आ जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज होने वाले पहले टेस्ट मैच की, जो बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आज खेला जाना है। भारतीय टीम ने हाल ही में बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में हराया और अब उनकी नज़र न्यूजीलैंड पर है। पहला टेस्ट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगा, जबकि टॉस सुबह 9 बजे होगा। इस मुकाबले का प्रसारण स्पोर्ट 18 चैनल पर किया जाएगा। इसके अलावा प्रशंसक इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप पर फ्री में देख पाएंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था। आज के दिन 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हुआ था। आज के दिन सन 1967 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। आज के दिन सन 2002 में 14वें एशियाई खेलों में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक विजेता डोपिंग टेस्ट में असफल रहने के बाद भारत की सुनीता रानी का पदक छीना गया था। आज के दिन सन 2011 में भारतीय मूल के धावक 100 वर्षीय फौजा सिंह ने सबसे अधिक उम्र में टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन पूरा किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। आज के दिन सन 1948 में प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी का जन्म हुआ था। कई लोगों के बीच व्हाट्सएप पर एक मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने रक्त की जरूरत को पूरा करने के लिए पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर 104 ब्लड ऑन कॉल लॉन्च किया है। लेकिन आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से भ्रामक है। हालांकि कुछ राज्यों में इस नंबर का इस्तेमाल कर तरह तरह के हेल्पलाइन नंबर के तौर पर किया जाता है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसकी पुष्टि की है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा पहला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर होगा भारत। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है साउथ कोरिया और ऑप्शन डी है चीन। इसका सही आंसर होगा भारत।
हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का अतिरिक्त सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है अरुण पुरी, ऑप्शन बी है रमेश सिन्हा, ऑप्शन सी है रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है एल सत्या श्रीनिवास। इसका सही आंसर होगा एल सत्या श्रीनिवास। बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1888, ऑप्शन बी है 1891, ऑप्शन सी है 1909 और ऑप्शन डी है 1903। इसका सही आंसर होगा 1891। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? ऑप्शन ए है मुनीम खां, ऑप्शन बी है दारा, ऑप्शन सी है मुराद और ऑप्शन डी है शाइस्ता खां। इसका सही आंसर होगा शाइस्ता खां। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोतीलाल कुमार, मुन्ना प्रसाद, प्रिंस कुमार, सोनू कुमार, रिंकी कुमारी, संजीव कुमार, राजीव कुमार, चंदेश्वर माझी, मोहम्मद तनवीर आलम, नंद कुमार सिंह, रवि मोहन वर्मा, नाज साजन, नितेश कुमार, रवि कुमार राम, संजीव कुमार शर्मा, राजा हीर किंग, नंदनी, संजय कुमार शर्मा, अनवर करीम खान, विनय कुमार, राम नौमी माझी, अंशु कुमारी, राम सागर पासवान, मोहम्मद साकिर हुसैन, छोटू रजा, कृष्णा प्रसाद, सुहाना अली खान, रामबाबू दास, अबू लाइस खान, अतीक खान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है आपकी मुख्य आजीविका क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।